हेलो गाइस, आज मैं स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो हमें क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना होता है, वहाँ पर मोस्टली आप कह सकते हो कि बातें दो ही तरह की होती हैं, एक होता है रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। अब उसमें जो रिफ्लेक्शन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेज में, क्लास टेंथ वगैरह में मोस्टली या नाइन्थ में, आई डोंट नो, आपने अगर पढ़ी भी होती हैं बिफोर 11th 12th। अब वहाँ पर जो चीज़ें इनिशियल की हैं, वो हम पहले थोड़ा जल्दी उनको स्किम थ्रू कर लेंगे, ताकि जस्ट आपको रिवाइज हो जाए कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें पता होनी है बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द जेई लेवल क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन वी हैव दिस टॉपिक, रिफ्लेक्शन एट स्मूथ सर्फेसिस। तो रिफ्लेक्शन मोस्टली आपको पता है क्या होता है, लाइट आती है एक मिरर पर गिरती है, वहाँ मिरर से वो रिफ्लेक्ट होकर दूर जाती है। अब रिफ्लेक्शन में प्राइमरीली दो लॉज हैं, दोनों लॉज आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस फिगर में एक पॉइंट है एस, तो दिस एस पॉइंट इज बेसिकली योर सोर्स। ओके, अब इस एस पॉइंट से लाइट निकली। वैसे आपको पता होगा कि लाइट कोई ऑब्जेक्ट खुद इमिट नहीं करता, जैसे आपने अगर आसपास किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो लाइट इमिट करता है। स्टार्स लाइट इमिट करते हैं, सन लाइट इमिट करते हैं। तो आप सोचो कि क्या होता है कि जब आप किसी रूम में, और उस रूम में आपके सामने आसपास चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, लेट्स से उस रूम में कंप्लीट डार्कनेस हो जाए, मान लीजिए रात का टाइम है, अंधेरा हो जाए, रूम में कोई लैम्प नहीं है, कोई लाइट सोर्स नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, और कंप्लीट डार्क हो जाए, तो आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो उसकी वजह ये होती है बेसिकली कि अगर आपके रूम में कोई लाइट सोर्स होती है, तो वो लाइट वहाँ से निकल करके उस ऑब्जेक्ट पर गिरती है, और फिर उस ऑब्जेक्ट से निकल करके आपकी आंखों तक पहुँचती है, इसीलिए वो चीज़ आपको दिखाई देती है। तो वैसे कुछ यहाँ पर है, मान लेते हैं एक सोर्स है एस, या ऑब्जेक्ट है कह सकते हैं एस, जिस पर लाइट आ रही है कहीं ना कहीं से, फिर वो एस ऑब्जेक्ट से लाइट फर्दर आगे जा रही है। तो ये एक रे निकली एस टू पॉइंट ए, इसको हम एस ए बोल सकते हैं, जो इस मिरर पे गई, आपके सामने एक मिरर है। और फिर यहाँ से अब हम लगाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला दिखता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको हम कहते हैं, कि एस से निकली हुई कोई भी लाइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम एस टू बी भी देखें, तो ये जो लाइट रही यहाँ तक गई, इस बी पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, सिंपली जो मिरर है उस मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो रे उस परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो यहाँ पर आई से रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर ये लाइट जो एस बी गई, वो फर्दर फिर बी टू सी चली जाती है रिफ्लेक्ट होकर के। और अब जो रिफ्लेक्टेड रे है बी टू सी, ये जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लॉ हमारा ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि दिस आई विल बी इक्वल टू दिस आर। ओके, फिर उसी तरह से जब हम एस टू ए जाएंगे, तो एस टू ए जाने के पॉइंट पर, इस टाइम इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एट पॉइंट ए पॉइंट पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो होगा 0 डिग्री, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो वो भी एग्जैक्टली एस टू ए पे ही जाएगा, यानी कि नॉर्मल के साथ वो 0 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब कि फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए 0 डिग्री के बराबर। इसीलिए जब कोई लाइट रे परपेंडिकुलर ड्रॉप की एक मिरर के ऊपर, तो फिर वो परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। फाइन, तो एस ए जो इंसिडेंट रे था, उसी पॉइंट ए से वापस से लाइट रे पीछे चली गई, वो रिफ्लेक्टेड रे बन करके, और वैसे पॉइंट बी पर वो फिर फर्दर पीछे चली गई, अगेन रिफ्लेक्टेड रे बन करके फ्रॉम बी टू सी। अब अगर इन दोनों रेज को हम पीछे की तरफ रिड्यूस करें, तो ये फाइनली एक पॉइंट आई के ऊपर ऐसा मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में रे नहीं है, जो रे थी वो तो इस मिरर से के बियॉन्ड जा ही नहीं पाई, वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई, लेकिन अगर उस रे को हम फर्दर पीछे ड्रॉ करें, तो आपको दिखाई देगा कि वो रे ऑलमोस्ट पॉइंट आई पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आई है, दिस पॉइंट आई इज बेसिकली इमेज। तो जहाँ पर ये रेज मिलती हुई दिखाई देती हैं, वही आपको इमेज पॉइंट कहलाता है इस ऑब्जेक्ट एस का। तो यहाँ पर एस जो था, दिस वाज एन ऑब्जेक्ट, और उसका इमेज फॉर्म किया पॉइंट आई के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से पहला हमने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो समझ लिया। फिर अगर हम दूसरे लॉ की बात करें, दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस
आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब यह हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी ना किसी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेट्स अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं या आपने लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो जो आपका स्क्रीन है वो अपने आप में एक प्लेन है। तो यहाँ पर एस टू बी एक इंसिडेंट रे है, बी टू सी एक रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस डॉटेड लाइन, दिस इज योर नॉर्मल। तो ये तीनों ही एक ही प्लेन पर है, यानी कि ये तीनों उसी प्लेन पर हैं जिस प्लेन पर आपका ये स्क्रीन चल रहा है। तो एग्जैक्टली तीनों एक प्लेन पर होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लेन के बाहर से इंसिडेंट रे आई और प्लेन के बीच में नॉर्मल रे है और प्लेन के पीछे से रिफ्लेक्टेड रे निकल गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये तीनों लाइन हमेशा आपको एक ही प्लेन पर पाए जाते हैं। तो यही दो सिंपल सा लॉज हैं। अब इन लॉज के अलावा अगर एक चीज़ और हम देख लें यहाँ पर, तो जो बात है प्लेन मिरर की, तो अगर हम प्लेन मिरर से ये स्टार्ट करते हैं, तो प्लेन मिरर में एक चीज़ आपको बहुत ईजिली दिखाई देगी यहाँ पर, कि अगर हम एक ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल एस ए बी और ट्राइंगल आई ए बी, ये ए बी साइड तो कॉमन है, ये दोनों पॉइंट क्या है, 90 डिग्री है। और उसके बाद फिर आपको सीधा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल अगेन सेम होगा, तो यानी कि थर्ड एंगल भी सेम होगा। तो बेसिकली ये तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। इसका मतलब कि जो एस ए लेंथ होगा वही ए आई लेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है बहुत ईजिली, वो ये दिखाई दे रही है, तो इन ए प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये पहली चीज़ है जो कि आप ईजिली अपने दिमाग में नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो हमेशा प्लेन मिरर में क्या होगा कि जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर एस ए है, उतना ही दूर मिरर से इमेज फॉर्म करेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू ए आई, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको अपने जहन में रखनी है वो ये कि यहाँ पर आपको दिखा कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज थे वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं किए, रैदर कि वो दे अपीयर टू मीट, दे डोंट मीट इन रियल, दे जस्ट अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट आई। तो जब भी रेज अपीयर टू मीट, नो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, तो जब भी रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो उस केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो इसीलिए प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो यहां पर जो आई इमेज फॉर्म हुई, ये एक्चुअल में इट्स वर्चुअल इन नेचर, ठीक है। तो ये दो बातें आप ध्यान रख सकते हैं जस्ट फॉर प्लेन मिरर। मोस्टली जो हमारा सिलेबस है जेई का, दैट्स मोर अबाउट स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, बट जस्ट एटलीस्ट प्लेन मिरर के बारे में पता तो होना चाहिए कि यहाँ पर इमेज जो फॉर्म होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फिर अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो अब हमारे सामने जो फिगर है वहाँ पर जो स्मूथ सर्फेस है, दैट इज कर्व्ड। तो अनलाइक प्लेन मिरर, जो कर्व्ड सर्फेसेस हमें पढ़ने हैं वो मोस्टली स्फेरिकल सर्फेसेस ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर है हमारे पास। तो अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं तो उन केसेस में क्या होना है, उन केसेस में भी चीज़ें कुछ भी बदलेंगी नहीं। जो हमने लॉ देखा अभी जस्ट राइट नाउ, दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एग्जैक्टली दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी वैलिड है। तो अगर कहीं पर से कोई इंसिडेंट लाइट आती है जो आपके आपको ईजिली एरो से दिखाई दे रहा है, वो एक पॉइंट पर आकर के हिट की सर्फेस को, ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, ये बाहर से शाइनी है, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर से ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो जो ये हमारा टेंजेंट हो गया, तो किसी भी सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करना हमें पता है कैसे होता है। फिर उस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही बेसिकली हो जाएगी उस पॉइंट पर नॉर्मल। तो स्फेरिकल सर्फेस में हमेशा क्या होगा कि जब भी कोई पॉइंट डिसाइड होता है तो हर पॉइंट पर एक डिफरेंट नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, विच इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि स्फेरिकल सर्फेस है, हर पॉइंट के लिए अलग नॉर्मल होगा। तो वैसे इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। अब नॉर्मल के साथ अगेन हम इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक कर लेते हैं। सो दिस एंगल आई के थ्रू हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। वैसे ही फिर जो रे रिफ्लेक्ट हुई वो नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, वो नॉर्मल के साथ बना रही है एंगल आर। तो यहाँ पर भी एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। तो कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है, जस्ट जो हमने सीखा अभी प्लेन सर्फेस के लिए एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो लॉ था कि अगेन इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दीज ऑल आर गोइंग टू लाई इन द सेम प्लेन. तो इनका प्लेन भी बदलने वाला नहीं है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. तो अगर प्लेन सर्फेस हो या कर्व सर्फेस हो, दोनों तरह के मिरर में जो लॉज हैं वो एग्जैक्टली सेम टू सेम अप्लाई हो जाते हैं. तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था आपको बताने के लिए, आपको एक तरह से याद दिलाने के लिए कि ये दो लॉज आपको हमेशा इस्तेमाल में अभी आने वाले हैं. अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करते हैं.